हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, वीजा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टसल। एमिड का मतलब उसके साथ में जो चल रहा है अभी, उसके बीच में। तो एमिड का मतलब ये होता है, और ये पॉज हो चुका है वीजा सर्विस कनाडा टसल। भाई, उनकी ऐसी बेवकूफ़ी है, वो कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। तो उस बेवकूफ़ी के ऊपर हमने ये एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। देखते हैं क्या है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन मिशंस इन कनाडा हैज़ बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट्स, एंड दे आर देयरफॉर टेम्पररली अनअवेलेबल अनेबल टू इशू वीजास, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस हेयर ऑन थर्सडे। तो ये चीज़ हुई है, वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी को, और वहाँ पे वो इसलिए काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वीज़ा अभी अवेलेबल नहीं है। एमईए स्पोक्स पर्सन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ऑल्सो सेड इंडिया वुड प्रेफर पैरिटी इन पोस्टिंग ऑफ डिप्लोमेट्स इन ईच अदर सबमिशन, सेइंग द नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड। ही फर्दर सेड न्यू दिल्ली हैड नॉट रिसीव्ड एनी एविडेंस फ्रॉम ट्रूडियो गवर्नमेंट रिगार्डिंग अलेज्ड इंडियन हैंड इन द किलिंग ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर इन द सुर्रे ऑन जून 18। तो यहाँ पे जस्टिन ट्रूडियो ने बोल तो दिया इंडिया का हाथ है, पर भैया एविडेंस कौन देगा? एविडेंस देना भूल गए क्या? बताओ ना, एविडेंस दो ना हमें तब ना। ऐसे तो मैं कह दूँ भाई, मेरे रोड पे कुत्ता मरा है, ये जस्टिन ट्रूडियो ने मारा है, आओ पकड़ो उसको, जस्टिन को। मतलब कुछ भी बोल रहा, और कुत्ता भाई, मैंने कुछ गलत चीज़ थोड़ी बोल दी, ये हरदीप सिंह कुत्ता ही तो था एक नंबर का। अब यहाँ पे, अब अगर आप बोलोगे भाई लैंग्वेज आपकी, तो भाई कुत्ते को कुत्ते ही बोलना चाहिए। अभी मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। देखो, सब कुछ सौ लाइफ में, सब कुछ सौ, पर इंडिया है ना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एक बार हो चुका है, अब नहीं, और जो हुआ है उसको भी ठीक करेंगे, पर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या मतलब, ये खालिस्तानी चाह क्या रहे हैं? मतलब इनका दिमाग भी ख़राब है, एक नंबर के बेवकूफ़ हैं ये लोग। तो मेरा लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत अच्छे टोन में मैं बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से ये लोग हैं। अब देखते हैं सेफ्टी इंश्योर में क्या बात हो रही है। ही अर्ज कैनेडा टू अपहोल्ड दी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बाई इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। अब देखिए, यहाँ पे एक वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना है इसमें क्या है। यू आर अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स बींग फेस्ड बाय आवर हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट्स इन कैनेडा, दीज हैव डिसरप्टेड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब ये थ्रेट्स के वजह से उनका नॉर्मल फंक्शनिंग डिसरप्ट हुआ है। अकॉर्डिंगली और हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट्स आर टेम्पररली अनेबल टू परफॉर्म प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशंस, वी विल बी रिव्यूइंग दी सिचुएशन ऑन रेगुलर बेसिस। तो भैया, हम इसको डेली के बेसिस पे रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या उनका अपडेट है। अब देखते हैं इस आर्टिकल में आगे क्या है। जस्ट अ सेकेंड। द सस्पेंशन ऑफ वीज़ा फैसिलिटी ऑन इंडियन मिशन इन कैनेडा विल ऑल्सो बी इन्फोर्स ऑन थर्ड कंट्री एप्लीकेंट हु मे चूज टू अप्लाई फॉर वीजाज ड्यूरिंग इन इंडियन मिशन इन कैनेडा। ठीक है। सिंस लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडियो अक्यूज्ड इंडियन ऑपरेटिव ऑफ कैरिंग आउट द मर्डर ऑफ निज्जर इन सुरे ब्रिटिश कोलंबिया, थ्रेट्स परसेप्शन हैज हाइटन फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स इन कैनेडा एंड फॉर ओटावा डिप्लोमेट्स इन इंडिया। तो यही चीज़ हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहा है जब से उन्होंने ऐसा बोला। देखो क्या होता है ना, आप पहली बात तो आप इंडिया को बिना किसी उस रीज़न के बोल नहीं सकते। अब जब आपने इंडिया को बोल दिया, तो वो इंडिया में आके तो हम लोग को कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, सोचेंगे क्यों ना इनके ऊपर बदला लिया जाए, इनको मारा पीटा जाए। तो वो माइंडसेट है लोगों का वैसा, इसलिए उनके सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसा और कोई बात नहीं है। ये बेवकूफ़ों को लेना होता है बदला। तो चलो देखते हैं क्या है। ऑन बोथ साइड विट्रियोलिक ऑनलाइन कमेंट्स टारगेटेड सर्विंग डिप्लोमेट्स। तो मतलब आप देखो, यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ऑनलाइन कमेंट्स में भी बोला जा रहा है उल्टा सीधा। हाउएवर, ऑन द कैनेडियन साइड सिख फॉर जस्टिस हैज़ कैरिड आउट एन ऑनलाइन कैंपेन कॉलिंग फॉर इंडो हिंदूज गो टू इंडिया एंड टुक आउट टारगेटेड पोस्टर कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स स्टेशन इन कैनेडा। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि इंडो हिंदूज गो टू इंडिया, तो मतलब जो हिंदू है इंडिया के, वापस इंडिया जाओ, उनका ये कहना है। अच्छा, अब मुझको, जिसको मेरा टोन खराब लग रहा है, प्लीज एक बार उनके टोन को देखो। मिस्टर बगची टुक नोट ऑफ द थ्रेट्स अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स एंड रिमाइंडेड ओटावा टू इंश्योर सिक्योरिटी
for Indian officials under the Vienna Convention. Mr. Baguchi called for political will to deal with terrorism and said the larger issue is of terrorism supported and funded by our western neighbor Pakistan, but the issue of safe heavens and place to operate has been provided abroad including by China. ठीक है, यही बात हो रही है कि आप देखो ये चाइना कह रहा हूँ, कनाडा, कनाडा जो है आपका सेफ हेवन दे रहा है किसको, टू प्लेस एंड ऑपरेट किसको एब्रॉड में, किसको, आपके टेररिस्ट को. तो यहाँ पे बागाची साहब ने यही बात बोली है. अर्लियर द हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन्फॉर्म द हिंदू दैट इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग टेंशन कनाडा टू हैड एडजस्टेड इट्स स्टाफ काउंट इन द डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया सेइंग In light of current environment where tensions have heightened, we are taking action to ensure the safety of our diplomats. Out of abundance of caution and caution, we have decided to temporarily adjust staff presence in India. कम करो भैया, कम करो. वैसे एक बात है, हम वैसे नहीं है कि हम तुम्हारे स्टाफ को मारेंगे. हम बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में. इंडिया का पास्ट शायद तुम लोगों को पता नहीं है और इसीलिए तुम लोग ये सब स्टेप ले रहे हो और पता नहीं क्या सोच के काम कर रहे हो. The Canadian mission also reminded in India to uphold the diplomatic code of conduct as enshrined in Vienna Convention on diplomatic relation 1961. The Canadian side did not confirm its staff reduction was because of conversation with India, but Mr. Baguchi during his brief indicated that conversation of reduction of diplomats in Canadian mission in India is ongoing. तो वो लोग वो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, ये मिस्टर बागची ने बोला कि उन्होंने जो बात की है. वी हैव इन्फॉर्म्ड द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट देयर शुड बी पैरिटी इन स्ट्रेंथ एंड रैंक इक्विवेलेंस इन आवर म्यूचुअल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस. देयर नंबर हेयर आर वेरी मच हायर देन आर्स इन कैनेडा. द डिटेल आर बींग वर्कड आउट बट आई एज्यूम देयर विल बी अ रिडक्शन फ्रॉम कैनेडियन साइड. ऐसा मिस्टर, मतलब वहाँ पे जितने इंडियन डिप्लोमेट है हमारे वो कम है और इंडिया में जितने कनाडा के हैं वो ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी ये इसलिए कम कर रहे हैं. अब इस आर्टिकल में हमारे लिए देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले खालिस्तानी, ठीक है, ये लोग हैं बेवकूफ़, इनको करो इग्नोर. इनको चाहिए पंजाब अलग, इनको लात मार के निकालो पंजाब से भी इंडिया से भी, पहली बात. और दूसरी बात, अगर इंडियन गवर्नमेंट को एक हार्श स्टेप लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो फैमिलीज हैं इंडिया में इनको भेजो इनके पास, बोलो कि जाओ, इनकी जितनी ज़मीन है सारी गवर्नमेंट की, जितनी प्रॉपर्टी है इंडिया में सारी गवर्नमेंट की. क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप मेरा घर नहीं तोड़ सकते. मेरा घर मेरा भारत है, आप उसको नहीं तोड़ सकते. आपको यहाँ पर रहना है, आपको कोई बात गलत लग रही है, गवर्नमेंट ख़राब लग रही है, कोई पॉलिसी ख़राब लग रही है, कोई बात चुभ रही है, आप बोलो. पर आप डिमांड करोगे कि अब आपको घर का एक रूम अलग चाहिए, तो ये नहीं होगा. तो सिंपल सी बात, खालिस्तानी इसलिए मेरे को नहीं पसंद उनका. ठीक है, आप किसी चीज़ से उदास हो, दुखी हो, तो आप बताओ कि भाई ये चीज़ सही करो, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो. ठीक है, आपको जो जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी चीज़ें गलत हुई थी, और पर ठीक है, कुछ करो ऐसा कि समझ में आए. पर तोड़ने का बात, देश तोड़ोगे तुम बेवकूफ़ हो क्या? मतलब क्या ही इससे ज़्यादा क्या बोला है, तुम अपना घर तोड़ने की बात कर रहे हो. ये मतलब वर्स्ट लेवल पे गिर चुके हैं. इनसे बातचीत करना नहीं है, इनके फैमिलीज़ को भेजो इनके पास, इनकी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले. ये तो एक सबसे मतलब एक खास स्टेप हो जाएगा, स्ट्रांग स्टेप, कि भाई खालिस्तानी ना तुम इंडिया में हो ना तुम्हें होना चाहिए. और आगे ये मैसेज भी जाएगा, जो सोच रहा है वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि फिर इंडिया से उसको भी निकाला जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेरे लिए की हो जाती है. ठीक है, खैर ये तो बड़ा गंदा ही स्टेप हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कभी लेगी नहीं, पर देखते हैं. और दूसरी चीज़, जस्टिन ट्रूडो भाई ये खेल रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स. ठीक है, उसका वहाँ पे वोट बैंक है खालिस्तानी सिख का. ठीक है, और सिख बोल के खालिस्तानी साथ में लगाना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को. सिखों के लिए बहुत इज्जत है, हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी जो थे हैं उनमें से ही सिख ओरिजिनेट हुए हैं, और इनके जो गुरुस के टीचिंग्स हैं वो अलग ही, मतलब इतने पीसफुल टीचिंग्स हैं उनके गुरु के. मतलब आप पढ़ें कभी उनके गुरु को, जानिए, आपको पता चलेगा. पर ये खालिस्तानी पता नहीं क्या इनकी सोच है, ये अपने जब गुरु को नहीं मान रहे, जो रिलीजन में उनको नहीं मान रहे, तो ये किस चीज़ को मानेंगे. इसलिए मेरे को इनको जानना ही नहीं. ये सिख तो मैं इनको कह ही नहीं सकता, सिख को मैं
बहुत रिस्पेक्टफुली देखता हूँ, ये खालिस्तानी है, ये सिख भी नहीं है, ठीक है। उसका वो खालिस्तानी वोट बैंक है, जिसके चक्कर में ये हार ना जाए तो ये नाटक कर रहा है। और भैया इंडिया से रिलेशन ख़राब करके तुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, तू बस मुँह की खाएगा। और बात रही अपने डिप्लोमेट्स की, उनके ऊपर अपने को पूरा भरोसा है और हम सबको पूरा भरोसा है। हमें पता है आज वर्ल्ड में इंडियन डिप्लोमेट्स की जो इज्जत है शायद ही किसी की है। तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए, वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू। अपने डिप्लोमेट्स की तरह हार्डवर्क करते रहिए, खालिस्तानियों को गाली दीजिए, अपने काम करिए, आगे बढ़िए, देश सबसे ऊपर। कुछ भी चला जाए, पैसा चला जाए, प्रेस्टीज चला जाए, कुछ भी चला जाए, पर सबसे ऊपर अपना इंडिया होना चाहिए, ठीक है, भारत होना चाहिए, इससे इसके बाद ही कुछ होगा। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क आउट टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।